Yes, ça plaira à Dogo Pate, ouais. Rejouer d'aller comme ça. Natsuke. Yeah.
ऊंची आवाज में मांगो खुदा का फजल, खुदा की प्रेजेंट अपने जीवन में, अपने परिवारों के जीवन में। मांगो 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 अगले 2 मिनट। आवाज में प्रे करो। मैं आज आपके आपको आपके साथ प्रे में हूँ। आपने लगातार प्रार्थना मेरे में, आज मैं यादा प्रार्थना आपको आपके जीवन से लेने वाला हूँ। और पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला था कि लोग अभी भी मेरे सामने नहीं बैठ रहे जैसे उनको बैठना चाहिए, जैसे उनको मेरे सामने आना चाहिए वैसे वो आ नहीं रहे, जैसे मेरे से उनको मांगना चाहिए वैसे मांग नहीं रहे। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में सब पवित्र आत्मा में आपको देख पा रहा हूं पवित्र आत्मा से आप भर रहे हो। आप एक परिवार और पूरा परिवार पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। अब जब भी इस मीटिंग को देखोगे, जब भी ऑन करोगे, जब भी आप इसको सुनोगे गहराई के साथ, जब भी आप बैठोगे प्रार्थना में, आप अनाउंटिंग को उतरता हुआ अपने जीवन में देखोगे। और मैं देख पा रहा हूँ एक परिवार पूरा परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ भर रहे हैं। जवान को मैं देख रहा हूँ अभी वो मीटिंग ऑन करके बैठा हुआ है और परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहा है। और परमेश्वर का आत्मा उसको मिलने के लिए जा रहा है, होली स्पिरिट उतरने के लिए जा रहा है उसके जीवन में और वो दानों वरदानों से भर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा दानों वरदानों से उतर रहा है आपके जीवन में और आप जल्दी अगुवाई के साथ होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन आंखों को बंद करते हुए सब उठा उठा उठाओ सब जन सब जन। अगले 5 मिनट पे करो फिर से, क्योंकि इस टाइम आपको अगर जरूरत है तो वो जीसस क्राइस्ट की है। अगर आपको हौसला कोई दे सकता है, आपको विपत्ति से कोई निकाल सकते हैं तो वो जीसस क्राइस्ट है। आपके दुख में साथ खड़ा है तो वो जीसस क्राइस्ट है। इसलिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे परिवार को जैसे मैं बचाऊ मेरे परिवार को भी छुड़ा, जैसे मैं चेंज हुआ हूँ मेरा परिवार भी तेरी बड़ी महिमा कर सके, तेरे उत्तम प्यार को देख सके, तेरे बड़े उधार को देख सके मेरा परिवार भी। ऊंची आवाज में सब सब प्रे करो। के बीच बीच में हो और पवित्र आत्मा उसको छू रहा है और उसका मन चेंज हो रहा है। अभी वो अपने आप अपने लाइफ में वो डिसीजन ले रही है कि मैं प्रभु की खोज करूंगी, प्रभु के वचनों की खोज करूंगी। मैं उसको ही दिख पा रहा हूँ इस टाइम प्रभु यूथ को पूरी तेजी के साथ छू रहे हैं, जवानों को अपनी सामर्थ्य के साथ भर रहे हैं। एक पर्सन को मैं देख पा रहा हूँ पवित्र आत्मा में, वो चाहता तो बहुत कुछ करना है लेकिन
उसके अंदर डर है कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। अपनी सोचों पे कब्जा नहीं कर पा रहा, इसलिए अपने दिमाग पे हाथ रखो, अपने सर पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा इनकी सहायता कर भरने में, प्रभु यीशु इनकी सहायता कर चेंज होने में, इनकी सहायता कर ये तेरे शुभ समाचार को लेकर जाए। और खुदावंद इन दिनों में इनको संभाल के रख, अपने छाए के नीचे रख, तेरे दूत इनको कवर करें, इनके परिवार को कवर करें। मैं ब्लेस करता हूं आपके परिवार को, आपको जो यूथ मुझे सुन रहा है उनको मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, फिर से दो मिनट के लिए प्रेम में जाओ। Yes, yes, yes. आप सोच रहे हो मेरी मदद कहां से आएगी, और मैं पहले भी बता चुका हूं जब हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ बने हुए थे, मैं तब भी बता चुका हूं कि आपकी सहायता स्वर्ग से आने वाली है, आपके मददगार स्वर्ग ही होंगे। इन दिनों में आपको करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मददगार अगर आएंगे तो वो स्वर्ग ही आएंगे और इन दिनों की पूरी सहायता आपको देके जाएंगे, पूरे साथ खड़े रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सिर्फ आपका भरोसा प्रभु की ओर होना चाहिए, आपके हाथ उठे होने चाहिए स्वर्ग की ओर, उस पर्वत की ओर, क्योंकि इज़राइल का राजा, इज़राइल का रखवाला कभी सोता नहीं है, कभी वो बुलाता नहीं है, बाप की सुनता है। अगर आप प्रभु की भेड़ हो तो आप प्रभु की आवाज को सुन पा रहे हो। आप भेड़ हो तो, मैं कह रहा हूं आप भेड़ हो तो प्रभु की आवाज को सुन पा रहे हो। कहता है जो मेरी भेड़ होगी, यूहन्ना 10 की 27 और 28 में हम जब देखते हैं वहां पे लिखा है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी, मेरी आवाज को वो पहचानती है। अगर आप जीसस क्राइस्ट की आवाज को पहचानते हो, यीशु मसीह की आवाज को पहचानते हो, तो एक अच्छी भेड़ हो। आप इधर ना पीछे, आप आगे देखोगे जहां पे आपका जीसस खड़ा है, आप सीधा देखोगे, और सीधा देखने वाला व्यक्ति कभी गिरता नहीं है, वो खड़ा रहता है हर परिस्थिति में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन परमेश्वर के प्रेजेंट में। अगर आप प्रभु की भेड़ हो तो आज से प्रभु की और अपनी आंखें उठाओ, प्रभु की और देखो, प्रभु आपकी लाइफ में करता क्या है, प्रभु आपकी जिंदगी में करता क्या है, और वो हर चीजें मुहैया करेगा, वो हर चीज आपको, हर लोड़मंद चीज आपको देगा इन दिनों में। और आपके हेल्पर, डिवाइन हेल्पर, जो आपको, आप भूखे नहीं सोओगे, प्यासे नहीं रहोगे हर परिस्थिति में, प्रभु अपने डिवाइन हेल्पर, जो कि आपकी मदद स्वर्गीय होगी, आपके हेल्पर भी स्वर्गीय होंगे, वो आपका बोझ रखने वाले होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन दो मिनट के लिए। यस 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 यस। आज अपनी आंखें उठाओ ऊपर की ओर, उसके वेलकम की ओर, उठाओ 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 सब जन, मेरी बात को सुनो ऊंची आवाज में। हमें प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु की भेड़ हो, आप शैतानी पकड़ी नहीं हो, आप प्रभु की भेड़ हो, और आप भेड़ हमेशा ही चरवाहे के पीछे चलती है, अपने चरवाहे के पीछे चलती है, और आप
प्रभु के पीछे चल रहे हो, प्रभु के वचन आपके साथ है, उन वचनों के मुताबिक चल रहे हो, आप गिरने नहीं वाले वाले, आपका चरवाहा आपका रखवाला होगा, अल्लोड वन चीज आपकी मुहैया होगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन दिनों में, इस महामारी में आप भूखे नहीं सोओगे, आप प्यासे नहीं सोओगे, परमेश्वर आपके डिवाइन हेल्पर भेजे, परमेश्वर आपकी लोड़वन चीज को मुहैया करें और वो लोगों को बोझ दे, वो स्वर्ग की डिवाइन हेल्परों को बोझ दे, वो आपका बोझ रखे, आपके रोज की रोटी रोज की चिंता वो करने के लिए जा रहे हैं, और आप इन दिनों में चिंता में नहीं, आपको एक चिंता होगी मैंने प्रार्थना में जाना है, आपको एक चिंता होगी मैंने फास्टिंग रखने है, आपको एक चिंता होगी कि मैंने यीशु मसीह के साथ संबंध बनाने हैं, अपने हाथों को उठाते हुए सब जगह Hallelujah, stupid.